हेनरी को टक्कर देने वाले डोनाल्ड ट्रंप की जिंदगी पर नजर डालते हैं। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में कोई अनजान शख्स नहीं है। रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार बनने से पहले भी डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका में एक अलग पहचान थी। ट्रंप वो नाम है जिसे अमेरिका में और खास तौर से न्यूयॉर्क की रियल एस्टेट की दुनिया में स्टेटस से जोड़कर देखते हैं, यानी जिन लोगों के एड्रेस में ट्रंप टावर, ट्रंप प्लेस, ट्रंप पार्क या ट्रंप प्लाजा जैसे नाम हो उन्हें खुशनसीब माना जाता है। रियल एस्टेट की दुनिया में डोनाल्ड ट्रंप एक बेहद सफल कारोबारी के तौर पर जाने जाते हैं। ४९४६ में डोनाल्ड जॉन ट्रंप का जन्म न्यूयॉर्क में हुआ। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में बिजनेस से ग्रेजुएशन की डिग्री लेने के बाद डोनाल्ड ट्रंप अपने पिता के नक्शे कदम पर चले और रियल एस्टेट के कारोबार में एंट्री की। अमेरिका के कई शहरों की आलीशान और गगनचुंबी इमारतें डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी की जीती जागती मिसाल हैं। कंस्ट्रक्शन का कारोबार डोनाल्ड ट्रंप को अपने पिता फ्रेडरिक ट्रंप से विरासत में मिला। करीब 40 साल से रियल एस्टेट बिजनेस से जुड़े डोनाल्ड ट्रंप आज करीब 100 कंपनियों के मालिक हैं। डोनाल्ड खुद फ्लोरिडा के पाम बीच पर ट्रंप पैलेस में रहते हैं, जिसे अमेरिका की सबसे महंगी रिहायशी इमारतों में से एक माना जाता है। लेकिन अब उनकी नजर वाशिंगटन डीसी के व्हाइट हाउस पर है। कॉलेज के दिनों में एक छात्र नेता के तौर पर उन्होंने अपनी पहचान बनाई। वो एक एथलीट रहे हैं और फुटबॉल उनका पसंदीदा खेल है। शर्त लगाने के बेहद शौकीन डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कहा जाता है कि वो एक जबरदस्त ओरेटर है, यानी भीड़ जुटाने की कला में माहिर। ट्रंप की अपनी वेबसाइट पर यह दावा किया गया है कि वो दुनिया के सबसे महंगे वक्ताओं में से एक हैं। सितंबर 2011 में ऑस्ट्रेलिया में दो भाषण देने के लिए ट्रंप ने $3 मिलियन यानी उस वक्त के हिसाब से करीब 14 करोड़ रुपए लिए थे। ट्रंप की ओरेटरशिप की असल परीक्षा अब हो रही है। अगर वो रिपब्लिकन पार्टी में जीते तो उनका मुकाबला हिलेरी क्लिंटन से होगा। उनकी नीतियां पहले ही अमेरिका और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आलोचना का शिकार बन चुकी है। ट्रंप के विचार एंटी मुस्लिम और कट्टरपंथी हैं। वो अमेरिका और मैक्सिको के बीच एक बड़ी दीवार बनाना चाहते हैं। सीरियाई शरणार्थी अमेरिका में ना आ सकें। इसके अलावा वो अमेरिका में रह रहे करीब 1 करोड़ से भी ज्यादा अवैध प्रवासियों को वापस भेजना चाहते हैं। वो आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट पर इतनी कड़ी कार्रवाई करेंगे जितनी अब तक किसी ने नहीं की। डोनाल्ड ट्रंप निगेटिव ही सही, लेकिन पॉपुलैरिटी अमेरिका में बटोर रहे हैं। ऐसे में ये हिलेरी क्लिंटन को सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि रिपब्लिकन कैंडिडेट जबरदस्त होने से चांसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं।